इसको टिकटॉक की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने कहा चल तेरे को एक वीडियो दिखाता हूँ। तो भाई हिंदी काउंटडाउन चैनल से वीडियो मिली है, टाइटल देखा था मैंने, तो मैंने कहा भाई साहब यही वीडियो देखेंगे। टिकटॉक चला गया लेकिन अपने धुरंधर यहीं छोड़ गया। अरे भाई साहब नाश होने वाला है, हिंदी काउंटडाउन चैनल पे अमेजिंग वीडियोज होती है और ये वीडियो तो ताबड़तोड़ होने वाली है। तो इसमें कौन सा कलाकार आपका फेवरेट निकला कमेंट करके बताना, कौन सा फनीएस्ट मोमेंट था आपका, उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके भाई और वीडियो चेकआउट करना हिंदी काउंटडाउन की, और जिन पे आप रिएक्शन चाहते हो कमेंट करके बताना, हम कोशिश करें जल्द से लाने की। और ये गेमिंग चैनल है भाई, तो आज आकर रात के 10 बजे लाइव स्ट्रीम भी होती है गेम्स की। रेडी स्टडी एंड गो। वो देख कुत्ते के साथ क्या कर रहा है। हम लाइफ में बहुत सी छोटी बड़ी गलतियां करके भूल जाते हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो गलतियां तो करते ही हैं, लेकिन उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि उस गलती की सजा उन्हें तुरंत प्रभाव से मिल जाती है और साथ ही साथ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाती है। आज हम फिर से आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसे वाकयों से जब लोगों को अपने अजीबोगरीब हरकतों या गलतियों पर तुरंत पछताना पड़ गया और इन्होंने पूरी दुनिया को अपने ऊपर हंसने का मौका दे दिया। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स इंस्टेंट रिग्रेट पार्ट 4। बिल्कुल भाई सब्सक्राइब। नवंबर 2019 के दौरान रूस के समारा में ऑलवे नामक एक पेट्रोल पंप ने अनोखी स्कीम जारी की। स्कीम के अंतर्गत पेट्रोल पंप मालिक ने कहा कि यहां जो कोई भी बिकिनी पहनकर आएगा उसे 100% फ्री में तेल दिया जाएगा। उसने सोचा था कि बिकिनी पहने गिनी चुनी लड़कियां आएंगी जिन्हें देख बड़ी मात्रा में आदमी, न्यूज रिपोर्टर आदि इकट्ठा होंगे और पेट्रोल पंप की प्रसिद्धि, नाम और बिजनेस बढ़ेगा। वो अपनी इस अकलमंदी पर अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रहा था। अब तेल भरवाने के लिए इक्का दुक्का लड़कियां आने भी लगी थी, लेकिन तभी उसने देखा कि लड़कियों से ज्यादा तो मर्द बिकिनी और हाई हील पहनकर स्कीम का फायदा उठाने के चक्कर में आने लगे। पेट्रोल पंप पर बिकिनी पहने लड़कियों से ज्यादा मर्दों की भीड़ बढ़ने लगी, जिसके चलते पेट्रोल मालिक को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। उसने स्कीम को लॉन्च के महज 3 घंटे बाद ही वापस बंद कर दिया। बेचारे ने सोचा भी नहीं था कि उसकी स्कीम में मौजूद इस लूपहोल का फायदा उठाकर मर्द उसकी स्कीम पर पेट्रोल फेर देंगे। जो कलाकार इंडिया छोड़ बाहर भी हैं। नशे में चूर कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने मिस्टर इंडियन हैकर जैसा बनने की ठानी और एक स्पेयर टायर के नीचे 3 एयरबैग रखे ताकि वो ये देख सके कि एयरबैग इसे हवा में कितनी दूर तक उछाल सकता है। एयरबैग डिप्लॉय किए गए और वाकई में परीक्षण कामयाब रहा और टायर इतना जोरदार पुश हुआ कि आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया। हालांकि सेफ्टी का ध्यान न रखने का खामियाजा उन्हें तुरंत भुगतना पड़ गया क्योंकि टायर सैर करता हुआ उन्हीं की कार के ऊपर जा गिरा और खिड़की को चकनाचूर कर दिया नाश। 2019 में प्यूर्टो रिको विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाई जा रही थी। उस दिन अपना डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक लड़की क्रिस्टीना रुइज ने वहां मौजूद यूनिवर्सिटी के मैस्कोट टार्जन नाम के डॉग के साथ फोटो खिंचवानी चाहिए, लेकिन उसकी ख्वाहिश उसके लिए भारी पड़ने वाली थी क्योंकि डॉग ने लड़की का डिप्लोमा ही चबा डाला, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद डॉग के चंगुल से छुड़ाकर वापस क्रिस्टीना को दिया गया। हाँ, लेकिन तब डॉग ने अपने सिग्नेचर उस पर कर दिए थे। खतरनाक। बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर रमेश पवार शिक्षा के लिए ई बजट पेश करने के लिए अन्य अधिकारियों के साथ मंच पर बैठे थे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में लापरवाही दिखाते हुए अपनी मेज पर रखी बोतल से पानी की बजाय सैनिटाइजर पी लिया। इसे निगलने से पहले उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे बच गए। जुलाई 2019 में हैदराबाद शहर में बोनालो उत्सव के दौरान ऐसा वाकया घटा जिस पे ये मुहावरा सटीक बैठता है, आ बैल मुझे मार। हुआ यूं कि पी भानु नाम का शराब पिया हुआ शख्स जुलूस में शामिल होकर डांस कर रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव पूरा हो इसके लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। वहीं सब इंस्पेक्टर महेंद्र जुलूस के दौरान गश्त कर रहे थे, तभी नशे में चूर भानु के पता नहीं क्या खुजली मची कि उसने पुलिस को पकड़कर चूम लिया। खैर उस समय तो पुलिस वाले ने उसे तुरंत दूर किया, लेकिन बाद में जब वीडियो वायरल हुआ तब भानु के खिलाफ ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी से दुर्व्यवहार करने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर उसे नलकुंटा पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। ये तो लड़का ये लगे भाई साहब, इस लड़के के लिए तो भाई साहब तालियां। सितंबर 2018 में दक्षिणी चीन के हुनान प्रांत के
योंगजू में नंबर दो मिडिल स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, लेकिन दो बच्चे चुपचाप गेम में बिजी थे, इसलिए टीचर ने उन दोनों के फोन जब्त कर लिए। अगले दिन उन्हें उनके फोन तो वापस कर दिए गए, लेकिन उन्हें फोन को पूरी क्लास के सामने तोड़ने की सजा सुनाई गई। आप साफ देख सकते हैं कि कितने भारी मन से दोनों बच्चे बारी बारी अपना फोन पटक कर तोड़ रहे हैं, और वहीं पीछे सारी क्लास के बच्चे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेचारे उस पल को कोस रहे होंगे जिसमें उन्होंने मोबाइल बाहर निकाला। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है, चीन में अलग अलग स्कूलों में भी कभी खुद बच्चों से हथौड़ा मरवा कर मोबाइल तोड़वाए जाते हैं, या फिर खुद टीचर ही इस काम को अंजाम देते हैं। खैर, हमारे देश में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के समय मोबाइल यूज करता दिखे तो उसे क्या सजा देनी चाहिए? खुद स्टूडेंट ईमानदारी से कमेंट करें और अपनी राय व्यक्त करें। फरवरी 2021 में यूक्रेन की राजधानी कीव में एक लाल हुंडई कार के मालिक ने पुलिस को फोन किया और बताया किसी ने उसकी कार को नुकसान पहुंचाया है। सुबह कार पार्क की थी और जब वो शाम को आया तो उसने कार डैमेज पाई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसमें जो दिखाई दिया वो देखकर कार मालिक ने अपना सिर पीट लिया। दरअसल कार मालिक ने वार्निंग टेप लगे होने के बावजूद उसे इग्नोर किया और अपनी कार वहां खड़ी कर दी, जो वार्निंग टेप लगाई ही इसीलिए गई थी क्योंकि वहां बिल्डिंग की छत से बर्फ के गिरने का डर था। और हुआ भी यही, कार मालिक को अपनी इस गलती का खामियाजा मोटी रकम देकर चुकाना पड़ा। गलती खुद की थी। बंदर इंसानों या दूसरे जीवों को छेड़ने में माहिर है, ये बात हम सभी जानते हैं। बंदर जंगलों में बड़े बड़े जानवरों को छेड़कर अपने फुर्तीले शरीर के चलते बचकर निकल जाते हैं। लेकिन अक्टूबर 2019 के दौरान थाईलैंड के प्राचुआप खीरी खान नामक एक गांव में पहाड़ की चढ़ाई में घूम रहे बंदरों को ऐसा करना भारी पड़ गया। वहाँ चढ़ाई में बंदरों का एक झुंड 10 फीट लंबे पाइथन के साथ मस्करी कर रहा था, लेकिन छेड़ते समय पाइथन ने एक बंदर को पकड़ लिया और अपनी कुंडली में जकड़ लिया। अपने साथी के पकड़े जाने के बाद सभी बंदरों को अपने किए का अच्छा खासा सबक मिल गया। वहीं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला सुपात्र प्रणिमित नामक व्यक्ति ने बताया कि सांप ने पकड़ने के कुछ ही मिनट्स में इस बंदर को दम घोटकर मार गिराया। ग्रिप बहुत टाइट होती है। आज तक आपने ऐसे कई किस्से सुने या देखे होंगे जिनमें कुछ असामाजिक तत्व रास्ते पर जा रही लड़कियों को छेड़ने और गंदे कमेंट्स पास करने जैसी बेहुदा हरकतें करते हैं। ऐसा ही एक वाकया कोलंबिया में एक टायर शॉप पर देखने को मिला, जब रोज रोज की छेड़छाड़ से परेशान लड़की ने एक दिन पूरी तैयारी के साथ घर से रवानगी ली। अब जैसे ही वो शॉप के आगे आई, शॉप ओनर ने उसे वैसे ही कमेंट्स पास करना शुरू कर दिया, लेकिन आज लड़की अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर आई थी। लड़के से कमेंट सुनते ही लड़की उसके पास गई और उसकी आंखों में स्प्रे मार दिया और महाशय की सही सजा तुरंत मिल गई। वहीं लड़की ने इस तरह से हिम्मत दिखाते हुए कारनामा किया, उससे हर पीड़ित लड़की को सीख लेनी चाहिए। इस पर अपनी राय जरूर देना। उसकी शॉप में ही आके मार गया। अच्छा हुआ। अब एक बार इस चीनी लड़की से भी मिल लीजिए जो कोरोना काल में लिफ्ट में बड़े आराम से च्युइंगम चबा रही थी। तभी कोई दूसरा सज्जन लिफ्ट में एंट्री लेता है और लड़की अपना मास्क ऊपर चढ़ा लेती है, लेकिन उसे मास्क की शायद इतनी आदत हो गई थी कि उसे मास्क का ध्यान नहीं रहता और च्युइंगम निशाना लगाकर सीधा पर्स में थूक देती है। लेकिन मास्क की वजह से उसका पोपट और उसका मास्क चौपट हो जाता है। वैसे च्युइंगम कौन पर्स में थूकता है यार, ये सही थी। एक बार इस चिकन की हरकत पर नजर डालिए जो मगरमच्छों से लबालब भरे एनक्लोजर में खुराक ढूंढने आ तो गया, लेकिन बेचारा जा नहीं पाया। और हाँ, इसके पास पछताने के लिए तो जिंदगी भी नहीं बची। ले गया इतनी जल्दी, बैठा भी कहां था ये तो देख। घूमने गए ये भाई साहब झील में किनारे से कुछ फीट दूर उभरे पत्थर पर खड़े होकर मस्त फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन इनकी चूल शांत नहीं हुई और इन्होंने सोचा कि थोड़े और एक्सट्रीम पोज दिए जाए, और उन्होंने एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगा दी और अपनी शानदार बैलेंसिंग स्किल का प्रदर्शन करते हुए ठप से झील में आंधे में जा गिरे। ओ भाई, अब मिले ब्रिटिश लड़की करीमा नबी से, जो अब अपनी एक भूल कर चलते सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। हुआ यूं कि ट्रेंथम मंकी फॉरेस्ट घूमने के दौरान करीमा ने एक आराम से बैठे मकाक बंदर के संग खूबसूरत तस्वीर निकालने का मन बनाया, लेकिन बंदर को ये पसंद नहीं आया और वो चिढ़ गया और करीमा को दौड़ा दिया और ये खूबसूरत नजारा कुछ फोटोज में कैद हो गया। एक बार इस लड़की पर भी नजर डाल लीजिए जो इतनी तंग जगह पर स्टंट रिकॉर्ड कर रही थी और घुटना अलग तोड़वाया और दीवार में छेद कर बैठी।
देश में जब कोरोना मरीजों के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, उसी बीच उज्जैन से टिकटॉक पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की बारिश के दौरान तेज रफ्तार ऑटो से लटक कर डांस कर रही थी। वीडियो में युवती पूरे मस्ती में डूबी मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क पर ऑटो में बैठी झूम रही थी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस इसकी खोज में जुट गई। तब मालूम पड़ा कि एक किन्नर है जिसका नाम मन्नत है। खैर, पुलिस के एक्शन में आने से पहले ही मन्नत को गलती का एहसास हो गया और उसने सभी से माफी मांग ली। उम्मीद है पार्ट 4 भी आपका मनोरंजन करने में कामयाब रहा होगा। भाई बिल्कुल मजा आ गया यार, ऐसी वीडियो देखो यार हिंदी काउंटडाउन चैनल पे जाके, मजा आएगा आपको। मतलब खतरनाक खतरनाक कलाकारों को भाई ढूंढ के लाता है, बहुत मस्त वीडियोस होती है हिंदी काउंटडाउन चैनल के ऊपर। और यार जो वो था ना वो बिकनी वाला सीन, कह दिया बिकनी पहन क्या हो। मतलब उसने ना वो नहीं लगाया उसमें कि खाली लड़कियों के लिए। तुम्हारा फेवरेट कौन सा था इनमें, ऐसे कौन से क्योंकि वही कह रहे टिकटॉक चलेंगे कलाकार रहे, कलाकार ऐसे ऐसे जो अभी भी हरकतें कर रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से भाई साहब कौन सा? मेरे को तो बिकनी वाला सही लड़के भाई साहब, ह्यूज रिस्पेक्ट टू द गाइस। चला बिकनी पहन के बैंक फ्री का तेल, इंडिया में मिल जाए, इंडिया वाले पहुंच जाएंगे जिस हिसाब से महंगाई चल रही है भाई साहब, पहुंच जाएंगे। तुम पहुंचोगे कमेंट करके बताओ। कितना हुआ है ना कि वो फोन तोड़वा देते हैं, फोन तोड़वा दे हमारे यहाँ। तो भाई पूछ रहे थे ना पेरेंट्स तोड़ते हैं क्या, अगर तुम्हारा फोन पड़े तो तुम क्या सजा सजेस्ट करोगे? मैं कहता हूँ हमें सजा नहीं होती, यहाँ हमारे यहाँ फोन पकड़ के फोन नहीं तोड़ते, घर वाले आके हमें तोड़ते हैं। साले कहीं थे घर में छोड़ के चले जाए ना, लेके जाएगा मास्टर मार दो मार। उनका एक्सपेरिमेंट भी होता, टायर उड़ा एक्सपेरिमेंट भाई, वो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेवल। उन्नी की गाड़ी पे जाए मतलब खुले में दुनिया, तभी तो बनाएगी कि हर एक चीज टेस्टिंग से, कार टेस्ट करते हैं क्रैश तो उसके लिए एनवायरमेंट अलग होता है, हर चीज होता है। ए भाई साहब एयर टेस्ट कर रहे हैं, एयरबैग टेस्ट कर रहे हैं, साइंटिस्ट हो रहे हैं गली में ही भाई साहब, ऊपर टायर भी कह रहा साला चलने के लिए बनाया था उड़ा रहे हैं। वो अच्छा था पेपर स्प्रे वाला, मुझे पेपर स्प्रे वाला ह्यूज रिस्पेक्ट टू द भाई। आपका फेवरेट कौन सा लगा इसके अंदर बताएं जरूर। और कई कलाकार वो भी देख रहे हो बंदर छेड़ते रहते हैं बंदर, हाँ उसके लिए वो भी नहीं, वो गाड़ी वाले भी वो था, गाड़ी वाले अगर कंप्लेन ना कराता तो शायद फाइन ना भी देना पड़ता। अरे मेरा फेवरेट तो वो था भाई साहब, वो पप्पी ले गया पुलिस वाले को नशे नशे में। कलाकार मतलब कि उसको ये समझ नहीं आया कि बेटा कर क्या रहा है, उसको डंडा भी दिखा ना बंदूक दिखी क्या भाई साहब, या फिर वो बिग फैन ऑफ पुलिस है भाई, पुलिस का ज्यादा ही जबरी फैन था, जबरी पप्पी ले गया यूं करके अंकल प्लीज पप्पी डटो। कलाकार भाई साहब इस धरती पे बहुत कलाकार होते हैं। आपका फेवरेट कलाकार आज की वीडियो से कौन सा था कमेंट करें जरूर बताना। भाई हमारे तो वो वाले थे जो वो पेट्रोल पंप के पेट्रोल पंप भाई, वो तो न्यू नेक्स्ट लेवल बिकनी वाले। इससे ये भी पता चलता है कि कुछ ऐसा ऑफर दे रहे हो ना तो टर्म्स एंड कंडीशंस भी नीचे मेंशन किया करो। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर लड़की से ज्यादा उसमें लड़के पहुंचे, लड़कियां पहुंची नो डाउट, लेकिन लड़के ज्यादा पहुंच गए। भारत में करवाओ तुम एक बार ऑफर निकलवाओ भारत में, जो भारतीय नाश ना फेल देने ऑफर का भाई साहब रिजर्व में लगा देंगे पेट्रोल पंप, जितना हाँ। उनका महीने में नहीं बिका होगा एक दिन में बिकवा दिन में बिकेगा भी कहाँ, फ्री में मिल रहा है भाई साहब, फ्री में मिल रहा है नुकसान हाँ। महीने भर को नुकसान करा देंगे। कलाकार है और ऐसे भी क्या सारे मतलब दोस्त लपेटे सब अपनी गाड़ी को 10-10 बार भेज देंगे हाँ, ले जाएंगे और घर में खाली भाई खाली कर करके भर देंगे कलाकार। और ऐसे भी होता है अपने पेट्रोल पंप साइड में खोलते भर भर के महीने भर में। भाई वीडियो देख के मजा आ गया, आपको कैसे लेकर जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।